आप सभी को गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ऑफिशियल में। बस जस्ट मैं उठी हूँ, मेरी शक्ल देख के आपको लग जाएगा, अभी जस्ट उठी हूँ रात में, लेट इसलिए सोई क्योंकि आज है मेरी बेटी रोज का बर्थडे भी। आज वो 10 साल की हो गई। 10 साल पहले 2013 में उसका जन्म हुआ था गोरखपुर में, और वो आज 10 साल की हो गई है। तो मेरे लिए बहुत ख़ास दिन होता है, रिपब्लिक डे के साथ साथ मेरी बेटी का बर्थडे होता है, और यादगार दिन है। आज के दिन पूरे हॉस्पिटल में लड्डू बटे थे, हस्बैंड ने भी बांटे थे, रिपब्लिक डे की वजह से भी बटे थे, तो हमेशा यादगार रहता है। आशिया क्रिसमस है, रोज़ का रिपब्लिक डे, तो आज का दिन मेरे लिए बहुत ख़ास है। और इस दिन को ख़ास बनाने के लिए कोई आ भी रहा है मेरे घर पे, तो मैं सब अपडेट आप सबको देती रहूँगी, व्लॉग पे बने रहिएगा। तो भाई व्लॉग स्पेशल होना तो बनता है, तो आज हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, कहाँ जाने वाले हैं, कहीं जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, मौज मस्ती होगी, सब कुछ इस ब्लॉग में आएगा। लास्ट तक बने रहना पड़ेगा आपको। और अब चलिए मैं जल्दी से किचन में बच्चों के लिए चाय रखने, जो आ रहा है वो बस 10-15 मिनट में आ जाएगा, और बच्चों को तैयार करने जा रही हूँ। सबका रिपब्लिक डे में पार्टिसिपेशन है, तो सबको रेडी भी करना है। जी हैप्पी रिपब्लिक डे, हैप्पी बसंत पंचमी। हाँ क्या हुआ? कुछ कुछ नहीं करेगा वो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कुछ नहीं करेगा, उसको लग रहा है कुछ खाने को मिल रहा है हमको, बहुत सारा वेलकम कर रहा है। यही यहाँ साइड में उतार देगा, यहाँ उतार देगा, कोई दिक्कत नहीं। रुको, सबका गिफ्ट आया है लेकिन सब लौट के देना, सब लोग स्कूल से आती है तब तब खुलेगा। और ये आशिका, और इसमें वाओ खाएगा। चलो तुम लोग लौट के आना, रिपब्लिक डे की तैयारी हो रही है इन लोग की। ये देखो क्या है, ब्राउनी है। तो बाय बाय, खूब अच्छा परफॉर्मेंस देना, बेस्ट ऑफ लक। तो ये इनका है भाई साहब का रिटर्न गिफ्ट, जो आते दे दिया, तो ये अपना रिटर्न गिफ्ट चेक कर रहे हैं, और जो मिला है गिफ्ट उसको तुरंत इस्तेमाल हम करेंगे। पहले हम इस्तेमाल करके देखेंगे कि कैसा है, ज्यादा मत फाड़ो, मान लो साइज उसका इश्यू हो तो वापस करने पर की पन्नी रहे। ये मेरा भाई है, ऐसा है जब छोटा था नया जूता आता था, पुराना जूते वाले कैंचे से काट देता था ताकि अगला कोई ना पहन सके। नहीं, ये नहीं है, ये वाला नहीं है, ये बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भैया भेजे तो जो तीज में कलर वो डिफरेंट, कलर अलग है ना, कलर अलग। हम तो कहे कि नहीं नहीं सेम नहीं, वो तो फ्रॉक सूट भेजा था ना। नहीं नहीं सूटी है, वो भी सूटी है, हम तो बहुत सुंदर समझ के लिए, कलर अलग है ना, साथ पहनोगे ना। नहीं नहीं वो नेट कर। तो रोज को ये मामी ने एक जिराफ दिया जो कि कॉपी करता है, जो बोलो साथ में बोलता है, अच्छा लगे, खुश होगी। हैप्पी बर्थडे रोज। हैप्पी बर्थडे रोज। मार खाओगी? कैसा है रो आशी? शादी होगी इन दोनों की? वाह, तो हमारी सवारी निकल चुकी है अयोध्या के लिए। तो रिपब्लिक डे है, अयोध्या ना जाए, अभी बगल में है, और निहारिका के डिमांड पर हम लोग जा रहे हैं अयोध्या, उसको अयोध्या घूमने का बहुत शौक था। तो हमने सोचा चलो आज से अच्छा दिन क्या हो सकता है कि बर्थडे के दिन दर्शन भी हो जाएंगे, तो हम लोग अयोध्या जा रहे हैं, हमारे साथ चलिए घूमिए वहाँ पे, मेरे भी चैनल से और निहारिका के चैनल से। निहारिका चैनल का नाम बता दो, चैनल का नाम निहारिका गौरव, निहार का गौरव। तो जो लोग इस चैनल में इस वीडियो को देख रहे हैं, नीचे मैं इनके चैनल का लिंक भी दे दूंगी, निहार का गौरव, इनके भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अयोध्या का टूर इनके भी चैनल से करिएगा।
अब हम लोग हनुमानगढ़ी की तरफ निकल पड़े थे कि रास्ते में है राम पथ का निर्माण हो रहा है, मीन्स जो राम जन्मभूमि मंदिर बन रहा है ये उसका रास्ता है। तो सड़क को चौड़ा करने के लिए आसपास के जो मकान है उसको तोड़ा जा रहा है, देख सकते हैं आप। थोड़ा सा देख के लगा कि पुराने मकान है, तोड़ा जा रहा है उनको, लेकिन चलो कोई नहीं, कुछ अच्छा होने के लिए कुछ तो थोड़ा सा करना पड़ता है। ये सब पुराने मकान है, पुरानी ईंटों से बने हुए। ऐसे आपको अयोध्या नगरी में पुराने पुराने मकान, मंदिर, गुंबद, ये तुलसी उद्यान है जो कि रास्ते में पड़ता है, बहुत अच्छा उद्यान, एक पार्क है जहाँ पे आप बैठ सकते हैं। पूरा सड़कों का चौड़ीकरण होने के लिए ये शहर साइड के पूरे मकान तोड़ दिए गए हैं। शायद जब वो फिर से निर्मित हो जाएंगे, बन जाएगा, तो देखने में अच्छा लगेगा। अभी तो पूरी अयोध्या की सड़कें उजाड़ लग रही थी, देख के खाली खाली सा थोड़ा बुरा भी लग रहा था, कितने पुराने मकान तो टूट गए हैं। तब हम लोग आ चुके हैं हनुमानगढ़ी। नीचे आपको प्रसाद लेना होता है, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो बसंत पंचमी 26 जनवरी का दिन भी था, नहान होता है आज, तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। यहाँ पर हम लोग प्रसाद लेने के लिए रुके। ये है हनुमानगढ़ी की सीढ़ियाँ, प्रवेश द्वार है ये। तो अब हम लोग आपको अंदर लेके चलेंगे, बहुत लंबी लाइन थी। ये है अंदर हनुमानगढ़ी का प्रांगण, मंदिर के दर्शन के लिए, हनुमान जी के दर्शन के लिए बहुत ही लंबी लाइन लगी थी, देख सकते हैं आप। लेकिन मैंने सोचा कि किसी भी तरह थोड़ा सा कैप्चर करती हूँ ताकि आप सब भी दर्शन कर सकें हनुमान जी के। तो ये लाइन में हम लोग लगे हुए हैं यहाँ पे दर्शन की। तो हम लोग दर्शन करके मंदिर से बाहर निकल रहे हैं, बाहर की तरफ आ चुके हैं हम लोग। सीधे जाएंगे हम लोग रेस्टोरेंट। सबको बहुत तेज भूख लग गई थी तो यहाँ पे श्री राम रेस्टोरेंट में आए। हम सब ने वेज थाली ऑर्डर की, यहाँ पे वेजिटेरियन खाना ही मिलता है, बहुत ही टेस्टी खाना होता है। अब हमारा अगला पड़ाव था सरयू नदी, सरयू नदी के घाट पे जाना था। ये हमारा अगला लास्ट ठिकाना था। हस्बैंड आगे आगे भागे भागे जा रहे हैं और हम सबको बोटिंग करनी थी, तो चलिए आप सबको सरयू घाट पे लेके चलते हैं। यहाँ पे हम लोग आए हैं बोटिंग करने, बहुत अच्छा रहेगा। तो अगर आप अयोध्या आ रहे हैं तो यहाँ आ जाओ, आ जाओ, धूप है वहाँ पे अभी, तो जरूर आए यहाँ पे बोटिंग करने के लिए। बहुत ही अमेजिंग व्यू, बहुत ही प्यारा लग रहा है, और बोट्स कितनी सुंदर सुंदर बोट्स हैं। निहारिका कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। रिंकू कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है आपको? अमेजिंग। हम लोग आ गए घर। बीच का मैं व्लॉग शूट करना भूल गई, थोड़ी बहुत शॉपिंग की, कंगन की, बिंदिया की, सिंदूर की, और घर में हम लोग केक काटने जा रहे हैं। वीडियो कॉल किया है नानी ने, उनको स्पेशली पीहू को केक काटते हुए देखना था, रोज़ राशि को, तो वीडियो कॉल पे नानी नाना और पीहू है। आज इधर ही आ जाओ, तुम लोग इस साइड ही आ जाओ।
ओके एक ही साइड से इकट्ठा हो जाओ, मुझे मत चलाना। ये बंद करो, तो मैंने कहा था उसको बंद करो, जितना बोलेंगे हाँ जितना बोलेंगे वही बोलेंगे। इधर आओ, इधर आ जाओ। अभी कहाँ, अभी झुट्टो, चल तुम इधर आ जाओ, तुम इधर आ जाओ, हम भी इधर है, तुमको भी दिखा दे भाई, पापा जी को भी दिखा दे। लो चलो 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 रोशन, ओके बोलो, चाकू लो, Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, to you, happy birthday to you, may God bless you, may God bless you, may God bless you, happy birthday to you. पहले नानी को खिलाओ, पहले नानी को खिला दो, नानी के लिए एकदम अच्छी सी, नानी के लिए अच्छा पिसा रहा है, बोलो पीहू को, नानी को और नानी को खिला के आओ। ये पकड़ पकड़ कर रहा है सबके लिए, एक टुकड़ा आ रहा है, सब लोग खा ले उसमें। अभी कुछ को मत कर, तुम्हें बोलता रहे वो सबको खिला दिया, वैसे नहीं चुभूंगा। चुप करो, चुप करो, मामी को खिलाओ, मामी को खिलाओ, मामी को ही खिला दो क्रीम और ना नया ना खिला। अब रोजू खिला दे, रुको रोजू खिला दे, नहीं पहले मम्मा को खिला दो, रुको तुमको टीका तो लगाई। जल्दी जल्दी सब बोल जा रहा है। चलो खिला दे, लो अपने हाथ से खिला। गॉड ब्लेस यू, बहुत टेस्टी है केक। तो रोज़ का बर्थडे बन चुका है, बहुत अच्छा दिन रहा, बहुत ही अच्छे से हुआ, रोज़ बहुत खुश है। हम लोग आ चुके हैं, केक कटिंग हो चुकी है, सबने केक खा लिया है। अब क्या है कि सबने इतना जम के खाना खाया है, लंच लिया है और केक खा लिया है, तो सबका मन है तहरी खाने का। तहरी मतलब जो हमारे यहाँ पुलाव बनता है सारी सब्जियाँ डाल करके, और रोज़ तो खाती नहीं है, रोज़ को पसंद नहीं है, तो उसके लिए चीज़ पराठा बना दूँगी। चीज़ पराठा की रेसिपी मैं किसी से शेयर ज़रूर करूँगी ताकि आप सभी अपने बच्चों को खिला सकें, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। बच्चों की तो मेरी फेवरेट रेसिपी हो गई, और बहुत अच्छा होता है बच्चों के लिए, बहुत अच्छा होता है। तो ये ब्लॉग बस मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। मेरी रोज़ को अपनी ढेर सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा ताकि वो लाइफ में खूब आगे बढ़े, हम सबका नाम रोशन करे, स्वस्थ रहे, खुश रहे हमेशा। तो व्लॉग अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, यहाँ तक आ गए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। और हाँ, जाते जाते एक बार सबको फिर से बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बसंत पंचमी भी थी, मेरी बेटी का बर्थडे भी होता है, रिपब्लिक डे तो है ही, सब मिला के एक बहुत ही प्यारा सा कॉम्बिनेशन था और बहुत अच्छा दिन गया। अयोध्या जाके बहुत अच्छा लगा, खास तौर से सर्जरी के किनारे और जो बोटिंग की थी ना, मतलब मन प्रफुल्लित हो गया। तो आप सब भी जब अयोध्या विजिट करें वहाँ ज़रूर जाएं, बोटिंग करें, बहुत अच्छा लगा। तो ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ, आप सब अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। बाय बाय।